भगवान के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई, महारानी सीता के लिए भी चुनौती है। सीता स्वरूपा बैठी हुई नारियां, इनके लिए भी जगत के माया जाल के बीच में बड़ी चुनौती कसौटी खड़ी हो जाती है। कोई पुरुष इनको आकर्षित करता है, लेकिन सीता स्वरूपी नारी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होती है, उसका ध्यान केवल अपने पति में रहता है। इसलिए गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा व्रत पतिव्रता व्रत कहा गया है। पतिव्रत एक पत्नी व्रत, ये व्रत अगर तुमने साध लिया तो गृहस्थ दूसरा व्रत कोई रहे न रहे, एकादशी व्रत रहो न रहो, पूर्णिमा व्रत रहो न रहो, अगर एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का तुमने पालन कर लिया तो याद रखना ऐसे होगा जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे इस व्रत में सारे व्रत समा जाते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत जीवन में भी सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, संत महात्मा का प्राण ब्रह्मचर्य। संत के साधना की यात्रा में बहुत से आकर्षण आते हैं, उन आकर्षणों से बचने की जरूरत है संत को। इसलिए संत अपने गुरु के साथ रहता है, क्योंकि गुरु रोज रोज नया नया ज्ञान देता है और गुरु को भी जगत के आकर्षण से अपने आप की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो गुरु अपने संतों के बीच में रहता है, याद रखना जैसे जंगल में शेर की सुरक्षा जंगल के कारण होती है, लेकिन जंगल की सुरक्षा शेर के कारण होती है। शेर के डर से लोग जंगल काटने नहीं जाते हैं, और शेर को जब मारने जाते हैं तो शेर जंगल में भागकर छुप जाता है तो उसको मार नहीं पाते हैं। शेर से जंगल बच जाता है और जंगल से शेर बच जाता है, दोनों दोनों के पूरक हैं, दोनों दोनों के रक्षक हैं। ऐसे ही गुरु का ज्ञान, गुरु का वैराग्य और गुरु की वाणी शिष्य की रक्षा करती है, और शिष्यों की साधना और शिष्यों का चारों तरफ से घेरा और गुरु की तपस्या की भी रक्षा करता है। इसलिए गुरु और शिष्य को संगम बनाकर रहना चाहिए ताकि दोनों की तपस्या सुरक्षित रहे तो संसार की समस्या का निदान हो सके। गुरु को भी अकेले घूमना नहीं चाहिए, अकेले खतरे ज्यादा होते, अकेले आजादी और आजादी में बर्बादी। गुरु अकेला मत रहे। मच्छंद्रनाथ अकेले घूमने गए थे, सिंघलदीप की रानी के आकर्षण में फंस गए थे और वहीं वर्षों तक वह रह गए। मन बिगड़ गया, इंद्रियां बिगड़ गईं, चरित्र बिगड़ गया, वैराग्य बिगड़ गया, योग साधना बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, सब गप सप लप हो। शिष्य ढूंढ रहे थे मेरे गुरु कहां, नाथ मच्छंद्र चले पीठ दे सिंघल हो में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी। ढूंढते ढूंढते उनके शिष्य गोरखनाथ सिंघल द्वीप में पहुंचे और देखा गुरु माया में भूल गए। गुरु शिष्य को माया से निकालता है, लेकिन कभी कभी शिष्य भी गुरु को भी निकालने का काम करता है। मच्छंद्रनाथ की दशा दुर्दशा को देख करके गोरखनाथ के आंखों में आंसू आ गए तो गोरखनाथ ने कहा कि भाग मच्छंद्र गोरख आया। हे मच्छंद्रनाथ मेरे गुरुदेव, कहां माया में फंस गए आप, यहां से भागो, तुम्हारा शिष्य गोरखनाथ आ गया है तुमको लेने के लिए। तो उनको स्मृति हो गई, कह रहे मैं इतना बड़ा गुरु मच्छंद्रनाथ और कहां यहां बन गया छछंद्रनाथ, निकलो चलो। तो शिष्य को देख करके उनके अंदर फिर से चेतना जागृत हो गई और अपने शिष्यों के साथ
रातों रात निकल गए, लेकिन निकले तो साथ में एक सोने की ईंट ले लिया। राजमहल से सिंघलदीप के रानी के रिनवास से सोने की ईंट निकाल लिया। याद रखना, जब वासना में मनुष्य आकर्षित हो जाता है तो उसके अंदर लोभ लालच भी पैदा हो जाता है, तो सोने की ईंट लेकर झोली में रख करके निकल गई। और जब 20 किलोमीटर दूर पहुंचे, सवेरा होने लगा, मच्छंदनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ से पूछते हैं, यहां कोई डर तो नहीं? याद रखना, तुम्हारे पास में अगर सोना चांदी है तुम्हें डर लगेगा। जो महिलाएं गले में सोने का हार पहनकर आई उनको डर लगता है। तो बैठी प्रवचन सुन रही हैं, लेकिन आधा मन उनका अपने गले के हार में लगा। हर 5 मिनट में अपना गला टटोल कर देख लेती हैं कि गला बचा कि हार बचा। ये सोना डर पैदा करता है। तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए हो, डर पैदा हो जाए। आपके बीच में रजिस्टर घूम रहा है, डायरी घूम रही है, कृपया अपना नाम पता नोट करिए। जो कल नोट कर चुके हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ा देना। जिनका नाम पता नोट नहीं, नाम पता मोबाइल नंबर लिख दीजिए। कभी कुंभ मेला होगा, उसमें तुमको न्यूता आएगा। इसमें कोई और दंड सजा नहीं है, डरना मत। कुछ लोग सोचते नाम लिखते हैं ऐसा ना हो कल हमारे घर आ जाए भंडारा खाने। नहीं नहीं, कोई भंडारा वंडारा नहीं, टाइम नहीं हमारे पास भंडारा खाने। मैं तो भंडारा वंडारा खाने कहीं जाता ही नहीं, सत्संग होता तभी जाता। भंडारा तो सत्संग की छाया है, इसलिए सब लोग लिख देना। बाबा जी रजिस्टर 2-3 चला दीजिए, चालू कर दीजिए, थोड़ा राउंड भी कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ताकत के साथ सब लोग लिख दो। हम तुमको जोड़ना चाहते हैं, तुमको अपना बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारे बनना चाहते हैं, हम तुम एक होना चाहते हैं, तुम पानी हम शक्कर बनकर घोलकर शरबत बन जाना चाहते हैं, तुम दूध तो हम चावल, और दोनों मिला दें तो खीर, और ये साधु शक्कर इनको डाल दे तो मिठास आ जाए, और ये महिलाएं ये क्या है काजू किशमिश गर्री छुहारा, ये डाल दो तो मसाला पड़ गया, खीर कंप्लीट हो गई। तो हम तुम सब मिलना चाहते हैं, एक में जुड़ना चाहते, ताकि तुम्हारा मन भी कभी भटके ना। मन भटकना नहीं चाहिए, राजनीति करो तो भी मन भटकने ना पाए, समाज सेवी बनो मन भटकने ना पाए, गृहस्थी करो मन भटकने ना पाए, व्यापार करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, मन भटकने मत दो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में मन भटक जाता है, राजनीति में पहुंचते हो लालच आ जाता है, फिर मन भटक जाता है, घोटाला कर दो, और कर दिया घोटाला तो बन गए चौटाला, फिर पहुंच गए जेल, और बिगड़ गया खेल, और मंत्री थे रेल के और पहुंच गए जेल। इसलिए लालच नहीं आना चाहिए, मिनिस्टर को भी लालच ना आए। डॉक्टर बनो लेकिन लालच मत करो, सही सलाह मरीज को दो, झूठी मूठी जांच मत कराओ। जांच करने वाले पैथोलॉजी लैब से कनेक्शन मत रखो, 30% हमारा हो, 50% तेरा हो, 20% बेईमानों का, ये सब क्या कर रहे हो नौटंकी तुम, जाने दो परसेंटेज। मरीज को बोल दो, मरीज से दोस्ताना रखो कि चिंता मत करना, कम पैसे में ठीक हो जाओ, और दूसरे डॉक्टरों को चेक कर लो फिर मेरे पास आओ। फीस भी दूसरा अगर 1000 लेता तो तुम 700 ले लो, दूसरा 700 लेता तुम 500 ले लो, दूसरा 500 लेता तुम 400 ले लो। जब 400 ले लोगे, कम फीस ले लोगे, तो आपके 50 मरीज 500 मरीज लेकर आएंगे, तुम्हारे अस्पताल में मेला लगेगा। एक तो असंग मेला और दूसरा अस्पताल में रोगियों का मेला। खूब देखो मरीज, और मरीज के साथ हंसो भी, गुस्सा मत करो। कितने डॉक्टर तो इतना क्रोधी होते हैं, उनको देख करके मरीज के ऐसे ही होश उड़ जाते हैं। मरीज जब देखता है कि पूरा रावण बैठा है अरे क्रोध क्यों करता है डॉक्टर, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, खुद ही दूसरे का बीपी डाउन करता, तेरा खुद ऊपर उठ जाएगा। मुस्कुरा कर रहो डॉक्टर साहब, और वकालत करो तो भी ठग विद्या नहीं, सही फीस अपनी ले लो। कोई गरीब है थोड़ा कम ले लो, मुकदमा व्यर्थ का है बता दो, मुकदमा मत लड़ो, आप समझौता कर लो तो ठीक,
दोनों पार्टी बुलाकर कंप्रोमाइज करा दो, ये धंधा थोड़े, पुलिस में सर्विस करो, ज्यादातर लोगों के समझौता करा दो, दोनों को डरा दो, धमका दो, डंडा उठा लो, कितना मारूंगा, खाल खींच दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा, समझौता कर लो तो लड्डू खिला दूंगा, डर के समझौता कर लेंगे, डरवा के समझौता करा दो, धंधा मत बनाओ कि दोनों से ले लिया 80,000 88,000, दोनों को घुसड़ फुसड़ करके बर्बाद करके रख दिया, दूसरों को बर्बाद करने वाला स्वयं बर्बाद हो जाता है, स्वयं बर्बाद हो जाता है, स्वयं बर्बाद हो जाता है। काम कोई बुरा नहीं, वकालत भी अच्छी चीज है, वकालत करना पड़ेगा, राजनीति भी करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति किया, मुख्यमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश का सब भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, आतंक खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, डाकू खत्म हो गए, चोर खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए, लफंगे खत्म हो गए, 8400 एनकाउंटर कर दिया, लगभग 10-20 हजार लोगों को परलोक पहुंचा दिया, मोक्ष दिला दिया, 1 साल का टाइम दिया, सुधर जाइए अन्यथा फिर निपट जाओगे, फिर मारना शुरू कर दिया, महात्मा है, सबको मोक्ष देता है। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री आज तक किसी प्रदेश में हुआ ही नहीं, इतना दमदार, इतना वफादार, इतना बहादुर, इतना हिम्मत वाला, उसको ये डर नहीं है कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो ये सब मुझको मार डालेंगे। वो कहता है जिस दिन मौत होगी कोई नहीं मारेगा तो भी मर जाऊंगा, और जब तक मौत नहीं है विश्व मारना चाहे तो भी मुझे मार नहीं सकेगा, ये साहस है उसके अंदर, बहुत साहसी आदमी, महात्मा है, साधु संत। उत्तर प्रदेश को दूसरा मुख्यमंत्री होता तो सुधार भी नहीं पाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश लास्ट प्रदेश है, नेपाल से जुड़ा प्रदेश है, बिहार से जुड़ा प्रदेश है, खतरनाक प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, कौन कौन, या तो कंस पैदा होता है या कृष्ण पैदा होता है, या तो महान पैदा होता है या मक्कार पैदा होता है। मैं भी उत्तर प्रदेश का जन्म है तो मैं तो महान वाले में पैदा हो गया, लेकिन वहां बेईमान भी बहुत पैदा है, और वही महान पुरुष जन्म लेता है, वही राम भगवान अवतार लेते हैं, जहां धर्म की हानि होती है, न्याय बढ़ता है, वहां पर भगवान अवतार ले लेता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरि सकल सज्जन भव पीरा, हरि सकल सज्जन भव पीरा। तालियां जोर से बजाए करो। अभी हमारे संत जी ने बताया था, जो ताली ना बजाए गुरु का दीवाना नहीं, और इसमें 10 लोग ताली बजाते हैं और 3000 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे मरे मराए अधमरे बैठे हैं, लगता है एक एक बोतल खून दान करके आए हैं, रक्तदान शिविर से लौटे हैं, बहुत मरियल हैं, महिलाएं तो थोड़ा शक्तिशाली है, ये तो ताली बजाना चाहती है, लेकिन ये सोचती हैं जब ये मर्द लोग सब गर्द मचा रखा है तो मैं क्या बजाऊं ताली। जब गुरुदेव जोर से प्रवचन करें, अर्जुन जैसा धनुष बाण छोड़े, तो ताली दमदार बजनी चाहिए, लगना चाहिए पंडाल में कुछ हो रहा यहां है, एक बार बजा के दिखाओ। बस हंस के भी दिखाओ, तुम्हें हंसी भी नहीं आती हंसना भी चाहिए। देखिए मैं बड़ा निराला संत हूं, मैं किसी संत की नकल नहीं करता हूं, बहुत सारा संत तो अपने अपने ढंग से करता है, वो ताली भी बजने नहीं देता है, तुम्हें मुस्कराने भी नहीं देता है, हंसने भी नहीं देता है, ऐसा सीरियस बिना बैठाता है कि शाम तक तुम्हारी तबीयत भी सीरियस हो जाएगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे अरे इससे क्या फायदा। सुन समझ जन्मदित मन मजही अत अनुराग, लहीं 4 फल छत्तन साध समाज प्रयाग, प्रसन्न होकर हंस करके सत्संग सुना जाता है, ये टेंशन में नहीं, दुखी होकर नहीं, तनाव में नहीं, स्ट्रेस में नहीं, हंसते मुस्कुराते सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग की यात्रा प्रसन्नता से होना चाहिए। मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो,
मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, घर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन कनक सा बदल जाएगा, सारे जीवन कनक सा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, हो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंद को राम रसिक रस पिय हो गे, को राम रसिक रस पिय हो गे, राम रसिक रस पिय हो गे, को राम रसिक रस पिय हो गे। पिय हो गे रामा जुग जिय हो गे, को राम रसिक रस पिय हो गे, को राम रसिक रस पिय हो गे। पिय हो गे जुग जिय हो गे, पिय हो गे जुग जिय हो गे, पिय हो गे, को राम रसिक रस पिय हो गे। मच्छंदर नाथ बार बार अपने शिष्य गोरखनाथ से पूछते हैं, बेटा यहां कोई डर तो नहीं, यहां कोई भय तो नहीं। गोरखनाथ मन में सोचते हैं, मेरा गुरु बार बार भयभीत क्यों हो रहा है, डर क्यों रहा है, आखिर बात क्या है। जब गुरु फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह गया और फ्रेश होकर आया तो गुरु ने फिर पूछा, यहां कोई डर तो नहीं, यहां कोई भय तो नहीं। गोरखनाथ ने कहा कि गुरुदेव जो भय था उसको मैंने कुआं में डाल दिया। बोले क्या? बोले आपके थैला में सोने की ईंट थी, उसी के कारण आपको बार बार भय लग रहा था, डर लग रहा था, तो इस ईंट को निकाल कर मैंने कुआं में डाल दिया। इतना सुनते ही मच्छंदर नाथ गुरु रोने लगा, अरे अरे सिंगलदेव की रानी के दरबार से एक ही सोने की ईंट में लाया था, उसको भी तूने कुआं में डाल दिया। बोले वही तो भय था,
जो डर था उस डर को डाला हूं। जब गुरु रोने लगा तो शिष्य ने कहा, रो मत, कमंडल उठाया, गुरु मंत्र पढ़ा, मच्छंद्रनाथ गुरु का नाम लिया और जल छिड़क दिया, तो जितनी मिट्टी पर जल छिड़का कमंडल का, वो सब मिट्टी सोना बन गई। और कहा, गुरुदेव आपके नाम में इतनी शक्ति है, आपका नाम लेकर मैंने कमंडल का जल छिड़क दिया तो मिट्टी सोना बन गई, एक सोने की ईंट के लिए तुम क्यों रोते हो? तुम्हारी शक्ति को पहचानो तो सारी धरती ही सोना है, कमी नहीं। अपनी तपस्या की याद आ गई, मच्छंद्रनाथ हंसने लगे कि मैं तो अपने तपोबल को भूल गया था, तप भ्रष्ट सन्यासी, योग भ्रष्ट योगी और व्यभिचार में भ्रष्ट हुआ गृहस्थ अंदर से कमजोर हो जाता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, तपस्या लाखों लोगों की समस्या का निदान करती है, व्रतधारी गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाला साधु तेजस्वी होता है, तपस्वी होता है, और जिसने जिस योगी ने जिस साधु ने आंखों से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, कानों से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और मुख से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और मन से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और कर्मों से भी ब्रह्मचर्य व्रत को निभाया हो, वह योगी वह तपस्वी आत्यंतिक तेजस्वी होता है। और जिसके लिए वो दिल से आशीर्वाद दे देता है, वह आशीर्वाद फलित हो जाता है, आशीर्वाद फलित होता है।